हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुमन केसरी। तो देखिए, आज की मेरी जो वीडियो है वो है कोलियस के प्लांट को लेकर, कि आज मैं इसकी आपको केयर टिप्स बताऊंगी। आप इसको कैसे लगा सकते हो, कैसे अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो, बीज से कैसे ग्रो कर सकते हो। तो आज कोलियस के प्लांट से जुड़ी हुई सभी जानकारी मैं आपको दूंगी। कोलियस का जो प्लांट होता है बहुत ही खूबसूरत होता है, बिल्कुल फूलों से कम नहीं होता। इसकी जो लीव्स होती है इतनी अट्रैक्टिव होती है कि बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। तो जैसे कि हमारे गार्डन में फूल खिले हुए हैं अलग अलग कलर के, तो वही वैरायटी इसकी होती है कोलियस के प्लांट की। और इसकी इतनी वैरायटी आती है कि अगर हम कोलियस के प्लांट ही लगाने लगे तो हमारा गार्डन बिल्कुल भर जाएगा कोलियस के प्लांट से ही। और हम इसी के प्लांट इतने हो जाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसकी वैरायटी इतनी होती है कोलियस के प्लांट की, जितना हम लगाएंगे उतनी हमें कम लगती है और अलग अलग कलर इसके देखने को मिलते हैं। तो मेरे पास भी फ्रेंड्स इसकी कई वैरायटी है प्लांट की। मैं इसके एक या दो प्लांट लेकर आई थी और बाकी मैंने सब कटिंग से ग्रो किए हैं, जो कि बहुत ही आसान इसको ग्रो करना होता है। कटिंग से आप किसी भी तरीके से इसको ग्रो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इसकी पहले केयर की, कि आप इसकी कोलियस के प्लांट की केयर कैसे कर सकते हो। तो देखिए, सितंबर का मंथ है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो देखिए लीव्स भी इनकी कैसे झुलसने सी लगी हैं। तो आप अपने प्लांट को ऐसी जगह रखें जहाँ पर धूप भी आती हो और छांव भी आती हो, बिल्कुल यानी कि शेड एरिया होना चाहिए आपके प्लांट को, जो है बराबर धूप और छांव दोनों मिलते रहें, जिससे कि आपके जो प्लांट होते हैं उनकी लीव्स में कलर भी बहुत अच्छे आएंगे। क्योंकि हमारे जो कलरफुल लीव्स वाले प्लांट होते हैं उनको जो कलर मिलते हैं वो धूप से मिलते हैं, छांव से नहीं मिलते। तो धूप और छांव इनके लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, तो आप इनको धूप और छांव दोनों दें। और फ्रेंड्स, बात करते हैं इसमें वाटरिंग की। इसमें जो है बहुत पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसमें डेली आपको वाटरिंग करनी होगी। अगर आपने, जब आपका कोलियस का प्लांट बड़ा हो जाता है तो आपको इसमें डेली वाटरिंग करनी होगी, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं वो ज़्यादा मोटी स्टेम होती है इसकी, तो ये पानी ज़्यादा ज़्यादा चाहिए इस प्लांट को। आप इस प्लांट में जो है डेली वाटरिंग करें जब आपका प्लांट बड़ा हो जाता है। पर फ्रेंड्स, अगर आपने कटिंग लगाई हुई है छोटी छोटी, तो इनमें आपको सिर्फ मॉइस्चर बना कर रखना है, इनमें आपको एक्स्ट्रा वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप इनमें बिल्कुल मॉइस्चर बना कर रखें तो आपकी कटिंग बिल्कुल सक्सेस होगी, इनमें ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके प्लांट ने रूट्स बनानी स्टार्ट कर दी है नीचे से और आपका प्लांट बड़ा हो चुका है, तो आप इसमें अच्छे से वाटरिंग कर सकते हो। कोलियस के प्लांट की जो है रूट्स बहुत ज़्यादा फैलती हैं नीचे से, तो इसलिए इसको पानी की बिल्कुल बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है जब आपका प्लांट ऐसे बड़ा हो जाए। तो आप सभी प्लांट को देख सकते हो कैसे इसमें रूट्स बनी हुई है और नीचे जड़ी मिट्टी में जो है जड़ें इसने फैलाई हुई हैं। तो आप सभी प्लांट को अच्छे से इसमें वाटरिंग करें जब आपके प्लांट बड़े हो जाएँ, और डेली वाटरिंग करें आप इनके अंदर। कोलियस का प्लांट जब आप लगाते हो तो इसके लिए आपको मिट्टी कैसी बनानी है, तो आप इसके लिए मिट्टी जो है 50% गार्डन सोइल और 40% जो है आप इसमें गोबर खाद का इस्तेमाल कर सकते हो। ये आप, मैं बिल्कुल ऐसी मिट्टी बताती हूँ जिससे कि आपके प्लांट बिल्कुल स्वस्थ होकर चलेंगे, और कोई ना ही तो आपका खर्चा होगा और ना ही कोई प्रॉब्लम होगी आपके प्लांट को, और ना ही आपको कोई प्रॉब्लम होगी फ्रेंड्स गार्डनिंग करने में। बिल्कुल सस्ता ही, बिल्कुल सस्ते तरीके से आप बिल्कुल हल्की मिट्टी बना सकते हो। तो मैं अपने गार्डनिंग में देखिए बिल्कुल ऐसे ही मिट्टी बनाती हूँ। मैंने ये कटिंग्स लगाई थी तो मैंने इसमें गोबर खाद और गार्डन सोइल ही मिलाया हुआ है और कुछ नहीं, बाकी सूखी लीव्स मैं अपने गार्डन की मिला देती हूँ उनके अंदर। और उसी से देखे मेरे प्लांट्स कैसे कितने अच्छे तरीके से चल रहे हैं। इनको सिर्फ हल्की ही केयर चाहिए, ज़्यादा केयर नहीं, सिर्फ आपकी कटिंग एक बार ये चल जाए तो फिर आपका प्लांट बिल्कुल भी नहीं रुकेगा और बढ़ता ही रहेगा, और आपको जो है अच्छे अच्छी लीव्स इसकी मिलती रहेगी प्लांट की। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं आप इसको अपने गार्डन में कैसे ग्रो कर सकते हो। तो आप इसको कटिंग से बिल्कुल ग्रो कर सकते हो, छोटी सी कटिंग आप इसकी ले लोगे, आप इसकी यहाँ से कटिंग करके लगा दोगे तो भी बहुत ही आसान तरीके से इसको ग्रो किया जा सकता है, और इसको बीज से भी ग्रो किया जाता है। यहाँ पर देखिए इसके ऐसे फ्लावर बनता है, तो फ्लावर में जो है आप ऐसे इसका जो फ्लावर बनता है आप देख सकते हो, उसका जो फूल है, तो इस फूल के अंदर ही इसका जो बीज बनता है
तो आप उससे इसको ग्रो कर सकते हो। लेकिन मुझे जो है अभी ये प्लांट बड़ा कर नहीं करना, तो मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया बीज को उसके, जैसे जहाँ से मैंने इसको बीज को कट किया है तो यहाँ से जो है इसकी और ही स्टेम निकलने लगेगी जैसे डबल, तो मैंने इसको इसलिए यहाँ पर कट कर दिया। तो ये बीज जब पक जाता है तो झड़कर अपने आप ही गार्डन में आपके गमले में जमने लगता है, तो आप इसको बीज से भी ग्रो कर सकते हो। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पर एक कटिंग ली है, मेरी ये जो टहनी थी प्लांट की तो वो टूट गई थी, तो मैंने इसको लिया। तो आप देखिए इसके जो है मैं कई प्लांट बना सकती हूँ एक ही स्टेम से। तो देखिए आप इसको हल्का हल्का हम कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर इसमें नीचे से देखिए कैसे रूट्स निकली हुई है, तो मैं इसको यहाँ से कट नहीं करूँगी। यहाँ से भी इसमें रूट्स बन चुकी है, यहाँ पर भी रूट निकलेंगी इसकी, और यहाँ से भी रूट्स निकलेगी, तो मैं इसको यहाँ से कट करूँगी। तो मैं इसको जो है यहाँ से इतना कट कर दूँगी, और इसके बीच का जो हिस्सा है हम इसको हटा देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से कभी रूट्स नहीं निकलती। तो आप इसका एक और पीस बना सकते हो, तो हम इसको यहाँ से भी कट करके लगा सकते हैं। इसकी ऊपर की स्टेम जो होगी ये बहुत ही जल्दी फास्ट ग्रोइंग करेगी, इतना इसको आप मिट्टी में इसको यहाँ से मत दबाएं, आप इसको मिट्टी में यहाँ तक लगाएं, जिससे कि यहाँ से रूट्स निकलेगी इसकी, इस जगह से यहाँ से रूट्स निकलती है, कभी भी पौधे की यहाँ से रूट्स नहीं निकलती, हम इसको सिर्फ मिट्टी में दबाते हैं। तो मैं इसकी जो ये दो लीव्स हैं मैं इनको हटा दूँगी। तो आप जब कटिंग लगाते हो तो इस कंडीशन में आपके पौधे की कटिंग होनी चाहिए, तो मैं इसी पॉट में अपने प्लांट्स की कटिंग लगा दूँगी। तो यहाँ पर देखिए, तो इस तरीके से आप जो है अपने प्लांट्स की कटिंग लगा सकते हो, जो कि बहुत ही आसान इसको ग्रो करना होता है और बहुत ही आसान तरीके से ग्रो हो भी जाएगी। तो देखिए मैंने इसको मिट्टी में जितना आपको बताया था उतना ही दबाया है। तो अगर इस तरीके से आप अपनी कटिंग लगाओगे तो बिल्कुल 100% सक्सेस होगी। आपकी ऐसी जो कटिंग होती है आप उसकी लीव्स मत हटाएं, क्योंकि प्लांट्स की जो लीव होती हैं वो भी होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो मैंने इसको ऐसे ही लगा दिया, और एक ही कटिंग है फ्रेंड्स, मैंने एक ही टहनी से इसकी एक ही स्टेम से ही मैंने इसकी तीन कटिंग बनाई हुई है। तो ये तो ऊपर की स्टेम हो गई इसकी, और ये जो है नीचे की है जिसमें कि रूट्स बनी हुई है, ये बिल्कुल प्लांट हमारा कंप्लीट तैयार है। तो मैं इसको ऐसे ही मिट्टी में अच्छे से लगा दूंगी, जिससे कि इसकी रूट्स बहुत जल्दी ग्रो होंगी, फास्ट ग्रोइंग करेगा ये प्लांट। ये वाला भी फास्ट ग्रोइंग करेगा और ये वाला भी करेगा, तो ये भी पर थोड़ा ये स्लो चलेगा क्योंकि हमने ये बीज की स्टेम ली है इसकी। तो आप कैसे भी कटिंग इसकी करके लगा दो तो बहुत ही आसान तरीके से कोलियस के प्लांट की कटिंग चल जाती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपने प्लांट्स की कटिंग लगा सकते हो। मैंने इसकी भी कटिंग लगाई थी, देख सकते हो आप ये कटिंग, मैंने इसमें दो कटिंग तो मैंने निकाल कर ये यहाँ पर लगा दी हैं, इसमें से कटिंग जो मैंने लगाई थी, और बाकी इसमें ही दो कटिंग मैंने छोड़ दी हैं अभी। ये बड़ा प्लांट भी हो चुका है मेरा, और एक ही मैंने न्यू वैरायटी लेकर आई थी मैं इसकी, तो मैंने इसकी भी कटिंग लगाई है कोलिस के प्लांट की, और ये कटिंग भी सक्सेस हो रही है मेरी, सभी जो मैंने लगाई हुई हैं सभी मैंने कटिंग से तैयार प्लांट है मेरे ये कोलियस के। और फ्रेंड्स आपका जो प्लांट कोलियस का होता है, अगर ऐसे उसकी डंडी निकली हुई है जैसे कि यहाँ पर इस प्लांट के आप देख सकते हो, वो ऐसे बुशी नहीं हो रहा है जैसे मेरे प्लांट यहाँ पर बुशी हो रहे हैं, तो मेरे सभी प्लांट देख सकते हो आप कितने अच्छी तरीके से बुशी प्लांट बन चुके हैं। तो कोलियस के प्लांट को आप बूसी कैसे कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर एक ये डंडी इसकी निकली हुई है, तो मैंने देखे इसके ऊपर का जो हिस्सा है मैंने इसको कट किया हुआ है, तो मैंने इसको ऊपर से कट कर दिया, तो आप देख सकते हो नीचे से इसमें से कितनी ब्रांचेस निकल चुकी हैं, ये सभी नीचे से ऊपर तक की सभी ब्रांचेस निकली हुई हैं, आप अच्छे से देख सकते हो। तो आपका भी अगर कोलियस का प्लांट ऐसा हो रहा है तो आप इसको यहाँ ऊपर से इसको कट कर दें, तो आपका प्लांट ऑटोमेटिक ही अपना ग्रोथ करने लगेगा नीचे की साइड से, और आपका प्लांट भी ऐसे ही इस तरीके से जो है बुशी बन जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा गमले में लगा हुआ। तो ये थी फ्रेंड्स मेरी कोलियस के प्लांट को लेकर वीडियो, मैंने जो आपको सारी डिटेल्स दी। अगर आप इस तरीके से अपने गार्डन में कोलियस के प्लांट को ऐड करोगे तो आपका कोलियस का प्लांट कभी नहीं सूखेगा और बहुत ही अच्छी तरीके से खूबसूरती बखेरेगा आपके गार्डन में।
तो आप जो है कोलेस के प्लांट को बिल्कुल कटिंग से बीज से ग्रो कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से। तो ये थी फ्रेंड्स मेरी छोटी सी वीडियो कोलेस की केयर के बारे में कि आपको इसको कैसे लगाना है। तो आपको अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट कर जरूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके गाइज, बाय।